हल्का असेंबली नामपल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार फेरोज खान ने आज नामपल्ली से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। इससे कबल फेरोज खान ने एक अनोखे अंदाज में हल्का असेंबली नामपल्ली के अवाम को इनकी कामयाबी के बाद पहुंचाए जाने वाले फायदे गिनवाए हैं। फेरोज खान ने मासूम बच्चों पर मुश्तमिल इंडिया कल्चर पेश किया, जिसमें एक लड़का गांधी जी बना और एक बाबा कॉन्स्टिट्यूशन अम्बेडकर बने और पूरी हिंदुस्तानी की तहजीब की झलक पेश की गई। इस मौके पर फेरोज खान ने एक बड़ी रैली का एहतमाम किया। पर्चा नामजदगी दाखिल करने के बाद फेरोज खान ने मीडिया से बात करते हुए सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और डेवलपमेंट पर बात करने को कहा। साथ ही कांग्रेस के 6 गारंटी पर तफसीलात भी पेश की गई। पेश है इस खसूस में फेरोज खान के पर्चा नामजदगी दाखिल करने के कुछ झलकियाँ और साथ ही इनकी रैली और मासूम बच्चों पर मुश्तमिल इंडिया कल्चर भी पेश किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, siyasat.com। रहीम, पहले मैं अल्लाह, मेरे रसूल, मेरे मरहूम वालिद, मेरी वालदा, मेरे भाई, मेरे बहन और तमाम मेरी नामपल्ली की आवाम और खुसूसी सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, रेवंत रेड्डी जी और कांग्रेस पार्टी, आपने मुझे कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। 2009, 2014, 2018 मैं आपके बीच में आया हूँ और आप कभी भी फिरोज खान को अपना बेटा, अपना भाई, अपना बच्चा समझ के आप लोग वोट डाले। हर वक्त फिरोज खान सेकंड पोजीशन पे आया, हक और ईमान के हलाल के वोटा फिरोज खान को गिरे और उसके बाद में आज सारी दुनिया को पता चल गया कि किस बुनियाद के ऊपर फिरोज खान चुनाव हार रहा। फिरोज खान चुनाव हार रहा क्योंकि नामपल्ली के अंदर बोकस वोट है। जब हम पहले बोलते थे आवाम को समझ में नहीं आता, पर ये टाइम पे हम पूरे बोकस वोटों के प्रूफ रख दिए थे और उसके बाद जब हम 1,00,000 प्रूफ रखे, 40,000 वोट डिलीट हुए और 50 से 60 हज़ार वोट है और उसके साथ साथ ये जो पार्टी है जो आज जीत रही हमारे पे, वो बीजेपी को साथ लेके लड़ती, BRS को साथ लेके लड़ती, बोकस वोटों के साथ लड़ती, लास्ट डे गुंडागर्दी करती, पुलिस मशीनरी को पूरा यूज़ करती, मुख्यमंत्री ऑफिस को यूज़ करती, ये तमाम चीज़ें करे बाद भी हक और ईमान के और हलाल वोटा लेके फिरोज खान कभी भी सेकंड आते। आज चौथी टाइम आपके बीच आया हूँ, एक ही मेरा नारा है कि नामपल्ली के अंदर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। और आज शुरुआत है, नॉमिनेशन डाल के आया हूँ। आप जैसा जानते हैं पूरी मेरी ज़िंदगी में वक्त कर दिया, मेरे सर के ऊपर मेरे वालिद का साया चले गया। आज से 1 साल पहले मेरी बेटी मर गई, आज कोई भी नहीं है मेरे पास। मेरी एक वालदा है 75 ईयर्स की, मेरी बीवी है, मेरा भाई है, मेरा छोटा ख़ानदान है, मगर मैं कभी भी नामपल्ली को अपना खानदान मान के चला। हर कोई बोले आप नामपल्ली छोड़ देना था, किधर और जाके लड़ लेना था, बोला नहीं, मैं यहाँ पे आया सिस्टम को बदलने। मैं यहाँ पे जीत के लिए नहीं आया, विक्ट्री के लिए नहीं आया, मैं यहाँ पे हिस्ट्री के लिए आया, इतिहास के लिए आया। जो तकलीफ मेरे को हो रही बोकस वोटों में गुंडागर्दी से, आने वाली नस्ल को ये तकलीफ नहीं आना। सिस्टम बदलने को आया, जब मैं माना कि नामपल्ली मेरा घर है, मैं नामपल्ली को छोड़ के कैसा जाऊंगा। तो आज मैं सामने वाली पार्टी को ये बात बोलना चाह रहा हूँ। आज हम आए आपको बताने को, ये गंगा जमुना तहजीब जो हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में सामने हिंदुस्तान का है, ये हमारे गांधी जी भी है साथ, ये फादर ऑफ द नेशन है, राइट, ये हमारे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है अम्बेडकर जी, और ये है हमारा आप बंगाली, ये हमारा मारवाड़ी, ये हमारा तेलुगु, ये हमारा इधर आ जाओ, ये
ये हमारा पूरे हिंदुस्तान, आप क्या देखा हमारा कश्मीर, तो फिरोज खान जब आते तो सारे हिंदुस्तान को लाते, तो ये फिरोज खान की एक पहचान है। आप याद रखिए हिंदुस्तान, ये गंगा जमुना तहजीब, ये सब छोटे छोटे बातों में मत जाओ, बोलो जय श्री राम, ये वो सब हिंदुस्तान के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में हमारी जो है जिस तरीके से नामपल्ली को मैं देखना चाह रहा हूँ भाइयों, नामपल्ली को मैं डेवलप, नामपल्ली देखना चाह रहा हूँ, तो ये हमारा बच्चा आगे जाके मेरे बच्चे, मेरे को तो मेरा बच्चा चले गया, मेरे को अब नामपल्ली का हर एक बच्चा मेरा और लैला का बच्चा है, ये बात आप याद रखिए। मैं हर बच्चे को पायलट बनाना चाह रहा हूँ, मैं हर बच्चे को कलेक्टर बनाना चाह रहा हूँ, मैं हर बच्चे को वकील और जज बनाना चाह रहा हूँ, मैं पॉलिटिशियन भी बनाना चाह रहा हूँ, मैं इतना बड़ा पॉलिटिशियन बनाना चाह रहा हूँ, इंदिरा गांधी के वैसा बनाना चाह रहा हूँ। और उसको हैं हमारे ब्लैक कैट कमांडोज, ये हमारा डॉक्टर है, नामपल्ली का फ्यूचर का डॉक्टर है, ये हमारा इंजीनियर है और ये हमारा कमिश्नर ऑफ पुलिस है। इस तरीके का नामपल्ली का एक आप देखा भाई, नामपल्ली तरक्की करना, मेरे बच्चा बच्चे पढ़ना, अपने माँ बाप का गुरूर बनना, नामपल्ली का गुरूर बनना, तेलंगाना का गुरूर बनना, हिंदुस्तान का गुरूर बनना, राउडिज्म फिनिश, ड्रग्स फिनिश, करप्शन फिनिश, बस सिर्फ तरक्की तरक्की तरक्की। सो कांग्रेस के छः, फिरोज खान के छः, अगर से हिसाब डाल के आप देखेंगे तो ये छः और ये छः लगाए तो महीने को 25,000 का हर घर को फायदा हो रहा, साल में 3,00,000 का फायदा हो रहा, और अल्लाह उसके रसूल मेरे माँ बाप और जनता जनार्दन जो है उनका आशीर्वाद और उनके दुआएं मिल गए तो 5 साल के अंदर एक घर को 15,00,000 का फायदा होने वाला है। ये आवाम को मैं बता रहा हूँ, और आवाम जो भी मेरी बात सुन रही आप सुन समझ के हक का फैसला लीजिए, जो भी सच्चा है आप उसको आगे आइए। और फिर से मैं एक टाइम सामने वाली पार्टी और असदुद्दीन को बोल दे रहा हूँ, भाई साहब पर्सनल नहीं जाएंगे, डेवलपमेंट में जाएंगे, आप डेवलपमेंट बात करो, मैं डेवलपमेंट बात करता हूँ, इलेक्शन को एक ईद के वैसा लिख जाएंगे, एक त्यौहार के वैसा लिख जाएंगे, आप पदयात्रा कर लीजिए, आप वोटा दलवा लीजिए, मगर मेहरबानी करके बोकस मत करिए, हक के वोटा दलवा लीजिए, आप लगाइए हक हक के बातें करके आप बटेबाजियाँ करके, मेहरबानी करके मत करिए। और जितने भी मेरे चैलेंज आए आप लेते तो फिरोज खान कभी भी तैयार है, डेवलपमेंट पे बात कर लेंगे या मक्का मस्जिद में चले जाएंगे। तो अपोजिशन से गुजारिश है, भाई तू ए बोला तो मैं जेड बोलता हूँ, तेरे को भी मुँह है मेरे को भी मुँह है, आने का ना जाने का, पर्सनल बातें करके पब्लिक को बेवकूफ़ नहीं बनाने का, अब तक बनाते आए मेहरबानी करके अब मत करो। और पूरों को बोल रहा हूँ और असदुद्दीन को बोल रहा हूँ, असदुद्दीन तेरे को दुनिया में तो तू किससे भी नहीं डरता, मेरे को मालूम तू सिर्फ परवरदिगार से डरता, मगर मेहरबानी अल्लाह से तो डर, ये लंगे कामा ये चोर कामा ये बोकसिंग छोड़ दे भाई, ये राउडिज्म छोड़ दे, हक और ईमान के वोटा दला लेंगे, अल्लाह की मर्जी तो कम से कम मेरे को तसल्ली रहता, मर्दों से लड़ के हारा, मगर आज क्या हो रहा, 3 टाइम भी क्या हुआ, चोरों के साथ लड़ा, पीठ पे खंजर भोंके, चीटिंग करे, बोकसिंग करे, बीजेपी को साथ लिए, BRS को साथ लिए, बोकसिंग लिए, पुलिस को लिए, गुंडों को लिए, लेके मेरे को हराए। बस आपको चैलेंज भी है, आपको नसीहत भी है, और मेरी गुजारिश भी है, कोई मोहताबरी नहीं है फिरोज खान का, गुजारिश कर रहा आवाम का फ़ायदा होना, मैं जीत के अगर से ज़्यादा आवाम का फ़ायदा होता तो आवाम मेरे को लान दो, अगर से तुम जीत के ज़्यादा फ़ायदा होता तो तुम्हारे को लान दो। जय हिंद, जय कांग्रेस, अल्लाह हाफिज़।